विश्राम दिन मानने के लिए याद रखना, और जब कभी विश्राम दिन मानने के लिए याद रखोगे, आप धन्यवाद करोगे अपने सृष्टिकर्ता का कि आपको परमेश्वर ने कितना सुंदर बनाया है। परमेश्वर ने आपको एक बहुत अच्छा जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको बचा कर रखा है आज के सबत के दिन तक। परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है, तंदुरुस्त रखा है, बीमारी और महामारी से बचाया है। परमेश्वर ने आपको जीवितों की दुनिया में रखा है, हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। और इस प्रकार धन्यवाद करते हुए हम प्रभु के उन वचनों में बढ़ते हैं जिसको हम भविष्यवाणी के वचन कहते हैं। हबक्कूक की किताब उसके दूसरे अध्याय से हम पढ़ेंगे। हबक्कूक की किताब उसका दूसरा अध्याय। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूँगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूँगा और ताकता रहूँगा कि मुझसे वो क्या कहेगा, यानी यहोवा परमेश्वर मुझसे क्या कहेगा। इसलिए मैं उस जगह खड़ा रहूँगा जहाँ उसकी आवाज़ को सुन सकूँ, जहाँ उसके वचन को सुन सकूँ। सबत का दिन विश्राम दिन होता है जिस दिन हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना का ये मतलब नहीं है कि हम केवल अपने मांगने की लिस्ट प्रभु के सामने रखते हैं, परंतु हम प्रभु से बातचीत करते हैं, वो प्रार्थना है। और उस बातचीत के दौरान परमेश्वर हमें बहुतेरी चीज़ें प्रकट करता है जो बहुत दिनों से हमने सुनी न हो, देखी न हो, और जिनको प्रभु आने वाले समय में करने जा रहा है। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूँगा, यानी परमेश्वर ने हमें पहरुआ ठहराया है। हम आत्मिक पहरुए हैं इस देश के। आत्मिक पहरुए, आत्मिक पहरुओं का काम क्या है? प्रार्थना करना अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, अपने जीव जंतु जानवरों के लिए, अपनी खेत खलियानों के लिए, अपने हर एक पेड़ पौधों के लिए, ताकि सबका कल्याण हो और सब एक सुंदर अवस्था में बने रहें, परमेश्वर की दया और कृपा को ग्रहण करते रहें। ये पहरुए का काम है। पहरुए का काम ये भी है कि वो बुरे वक्त को आने से पहले अपने लोगों को जागृत कर दे कि देखो, समझ जाओ, ऐसा वक्त आने वाला है जब तुम्हें कोई वचन का सुनाने वाला न मिलेगा। और उस वक्त क्या होगा? परमेश्वर का न्याय होगा कि जितना वचन सुना दिया गया तुम्हें वो काफ़ी था और तुमने सुना नहीं। ये वक्त है पहरुए का कि वो दर्शन की बात बताए। यहोवा मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी सहज पढ़ी जाए। अगर आप इस तरफ से निकलोगे, गेस्ट हाउस की तरफ से निकलोगे, तो आपको दिखाई देगा उद्धार की नगरी, सिटी ऑफ सेल्वेशन। 1999 में हमने लिख दिया था। दर्शन की बात थी कि ये शहर उद्धार की नगरी बन जाए, यानी जो मनुष्य यहाँ आए उसका जीवन बदल जाए, बुरा आए भला होकर जाए, बीमार आए चंगा होकर जाए, रोगी आए दुष्ट आत्माओं से ग्रसित आए छुटकारा होकर जाए, अशांत आता है हमारे नगर में वो शांति को पाकर जाए। ये उद्धार की नगरी का दर्शन हमको प्रभु ने दिया था, जिसको सन 1999 में मैंने पत्थर पर लिख दिया। दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पड़ी जाएं, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय पर पूरी होने वाली है। अब करीब 23 साल हो गए हैं, 23 ईयर्स हो गए उसको लिखे हुए। प्रभु का वचन हमसे कहता है कि ये दर्शन की बात जल्दी पूरी होने वाली है। हालेलुया, आर यू एक्साइटेड? हालेलुया, ये दर्शन की बात जल्दी पूरी होने वाली है। उद्धार की नगरी बनने वाली है, बन चुकी है। उद्धार की नगरी वही है जब सबका कल्याण हो, हर मनुष्य का कल्याण हो, जो आए दुश्मन भी आए तुम्हारा उसका भी कल्याण हो, वो उद्धार की नगरी है।
उस उद्धार की नगरी का दर्शन प्रभु ने हमें दिया है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय पर पूरी होने वाली है। वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा न होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो तो अभी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी, उसमें देर न होगी। 23 इयर्स हो गए हैं, 23 साल हो गए हैं, मैं अभी बाट जो रहा हूँ। आमीन। ऐसा लगता है कल की बात है ये, बहुत तेरे बच्चों की उम्र ही 23 साल होगी। उस पीरियड से हम लोगों को प्रभु ने दर्शन दिया कि ऐसा होगा, ये नगर उद्धार की नगरी कहलाएगा। हर एक का कल्याण होगा, हर एक का उद्धार होगा, और मनुष्य यहाँ पर आए आशीष ही पाएगा। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी इसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी, उसमें देर ना होगी। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं। परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। बोलिए, धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। आपका विश्वास जीवन देगा। आमीन। आगे हम पढ़ते हैं, दाख मधु से धोखा होता है, अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता। दाख मधु, शराब, नशे, इन सब चीज़ों में धोखा है, ये बर्बाद करती हैं। अधोलोक में की लालसा को पूरा करने की कोशिश करती हैं, मृत्यु के समान उनका पेट नहीं भरता। वो सब जातियों को अपने पास खींच लेता है, सब देश के लोगों को अपने पास इकट्ठा कर रखता है। क्या वे सब का दृष्टांत चलाकर और उस पर ताना मार कर ये न कहेंगे, हाय उस पर जो पराया धन छीन कर धनवान हो जाता है। कब तक? भविष्यवक्ता कह रहा है, कब तक पराया धन छीन कर धनवान होने वाला कब तक धनवान रहेगा? हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है, यानी तमाम सूद वाले चीज़ों से घर भर लेता है। जो तुझसे कर्ज लेते हैं, क्या वे अचानक न उठेंगे? क्या वे न जागेंगे? जो तुझको संकट में डालेंगे, क्या तू उनसे लूटा न जाएगा? तूने बहुत सी जातियों को लूट लिया है, इसलिए सब बचे हुए लोग तुझे भी लूटेंगे। इसका कारण मनुष्यों की हत्या है, और वो उपद्रव जो तूने इस देश में और इसकी राजधानी में और इसके रहने वालों पर किया है, यानी इस सब उपद्रव करने वालों को परमेश्वर न्याय करेगा। हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है, ताकि वो अपना घोंसला ऊंचे स्थान में बनाकर विपत्ति से बचे। तूने बहुत से जातियों को काटकर अपने घर के लिए लज्जा की युक्ति बांधी, और अपने ही प्राण का दोषी ठहरा है, क्योंकि घर की दीवार का पत्थर दुहाई देता है, और उसकी छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। यानी आपके घर की वस्तुएं जो आपने इकट्ठी करी हैं अन्याय से, वही आपके विरुद्ध परमेश्वर के सामने गवाही दे रही हैं, मुसीबत खड़ा कर रही हैं। आप सोचते हैं कि जो कोई वस्तुएं हैं वो गवाही कैसे देंगी? अजीवित हैं। अजीवित वस्तुओं में तो ये माइक सिस्टम भी आता है। जब माइक सिस्टम से इतनी बड़ी एम्पलीफिकेशन हो रहा है, हमारी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे रही है, वरना ये तो ज़िंदगी दिखाई नहीं देती। जब प्रभु छुएगा तो हर चीज़ बोलने लगेगी। उसके छूते ही सीमेंट के में जो बालू होती है ना, बालू के कण पत्थर चिल्ला उठेंगे, और पत्थर चिल्ला चिल्ला कर गवाही देंगे कि तुमने क्या किया था। तुम सोचते हो तुम्हें किसी ने देखा नहीं, परमेश्वर का एक एक सृष्टि में परमेश्वर की निगाहें हैं। हाय उस पर
जो हत्या करके नगर को बनाता है और कुटिलता करके गढ़ को दृढ़ करता है। सोचिए, राजाओं की गद्दी कभी अधर्म से स्थिर नहीं हो सकती, अधर्म और अन्याय से स्थिर नहीं होगी। राजा की गद्दी केवल धर्म और न्याय से स्थिर होती है। यही बात भविष्यवक्ता कर रहा है। देखो, क्या सेनाओं के यहोवा की ओर से ये नहीं होता कि देश देश के लोग परिश्रम तो करते हैं परंतु वे आग का कौर होते हैं और राज्य राज्य के लोग परिश्रम व्यर्थ ही ठहरता है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। कितने आनंद की बात है, पृथ्वी जो है परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भरा हुआ होता है। कभी देखे हो समुद्र को, उसकी लहरों को उठते हुए देखा है? कभी समुद्र को खाली देखा है? समुद्र की लहरें उठती हैं तो भारी भारी उठती हैं, भरा भारीपन और गहराई दिखाई देती है। ऐसे ही परमेश्वर की महिमा का ज्ञान हर मनुष्य को होगा, इस पृथ्वी पर जानेंगे वो। दूसरा, प्रभु की भविष्यवाणी का वचन जो मुझे आज प्रभु ने 8/10/2022 को 5 बजे शाम को दिया, वो है सपनिया की किताब और उसका 3:14 से। सपनिया 3:14 से ये वचन इटर्नल वर्ड कहलाते हैं, सनातन वचन है परमेश्वर का, जो युग युग से परमेश्वर के स्वर्ग में स्थिर है और वो पूरा होकर ही रहता है जब भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोला जाता है। जब उसके सेवक उस वचन को बोलते हैं तो वो वचन जीवित हो जाता है, वो वचन हमारे जीवनों में काम करता है। यही इसीलिए मैं भविष्यवाणी का वचन बोल रहा हूँ। 14 सपनिया 3:14। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा, हे यीशु दरबार के लोगों ऊंचे स्वर से गाओ, हे इसराइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद करो, प्रसन्न हो, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इसराइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। उस समय यरूशलेम में ये कहा जाएगा, हे सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है, वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वो अपने प्रेम के मारे चिपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। ये भविष्य की वाणी है। आए, इस भविष्य की वाणी को मैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु दरबार के लिए और तमाम दुनिया के विश्वासियों के लिए रिलीज करता हूँ, ताकि आपका जीवन आनंद और शांति से भर जाए। आमीन। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं, जो लोग नियत पर्वों पर सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं, यानी प्रभु की सभाओं में, कलीसियाओं में आ नहीं पाते हैं, दुखी रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा। प्रभु का वचन कह रहा है, ये प्रभु का वचन है, उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उसकी नाम धराई उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा। यानी परमेश्वर उन दुख देने वालों से उचित बर्ताव करेगा, यानी न्याय करेगा, निश्चित न्याय करेगा। और आगे प्रभु का वचन कहता है, उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा, यानी बीमारों को चंगा करूंगा, लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुए लोगों को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, जिनकी लज्जा की चर्चा
पृथ्वी पर फैली है ना। दुखी हो, लज्जित हो, परेशान हो, कलीसियाओं में आप इकट्ठे नहीं हो पा रहे हो किसी दुख के कारण, किसी भी कारणवश, प्रभु का वचन कह रहा है, यीशु कह रहे हैं, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है, यीशु के नाम से आमीन। घबराओ नहीं, जो भविष्यवाणी का वचन हमने आज तक बोला है परमेश्वर ने पूरा किया, यह भी पूरा होगा। ये जबरदस्त प्रभु का वचन है, इसको नोट कर लो और ये जिंदगी में पूरा होगा। हम लोग देखेंगे, हम लोग ये सब देखेंगे। उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा, यानी तुम्हारा अच्छे दिन वापस ले आऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच मैं तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा की का यही वचन है, आमीन। यहोवा का यही वचन है, हालेलुया। इसलिए घबराओ नहीं, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, प्रभु तुम्हारे संग संग है, वो न कभी छोड़ेगा तुम्हें और न कभी त्यागेगा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 8:23 से हम देखेंगे प्रभु के वचन में यीशु मसीह के वक्त की बात है, यीशु मसीह के समय का बात है कि यीशु मसीह नाव पर चढ़े और उनके चेले भी उनके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक बड़ा तूफान आया। मत्ती 8:23 से, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो गया। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। चेलों की नाव में यीशु मसीह हैं, उसी नाव में यीशु मसीह आराम कर रहे हैं एक जगह, और वही नाव है जिससे वो उस झील के पार जा रहे हैं। गलील की झील में ये नाव में हैं ये लोग, और बीचों बीच में नाव पहुंचती है, और उस वक़्त बड़ा तूफान आ जाता है और नाव में पानी भरने लगता है। तूफान से नाव हिलने डुलने लगती है, चेले घबरा जाते हैं कि भाई ये तो हम तैर के भी पार नहीं कर पाएंगे, इतनी बड़ी झील को निश्चित आज डूब जाएंगे, घबरा गए। जबकि इस झील का सृष्टिकर्ता, इस तूफान के ऊपर मालिक, पानी का बनाने वाला, हवा का बनाने वाला, हवाओं को चलाने वाला, हवाओं को रोकने वाला उनके साथ उनकी नाव में है, घबरा गए, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में है, पहचान नहीं पाए। हुआ क्या, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें डांटा और कहा, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो, कहाँ है तुम्हारा विश्वास? मैंने तुम्हारे सामने इतने आश्चर्य कर्म दिखाए थे, मैंने मुर्दों को जिंदा किया था, मैंने अंधों की आंखें खोली थी, जन्म के अंधों की, मैंने बहरों के कान खोले थे, गूंगे को जुबान दी थी, लंगड़ों को चलाया था, कोढ़ियों को शुद्ध किया था, 5 रोटी 2 मछली से 5,000 को खिलाया था। तुम सब गवाह हो, क्यों डरते हो जब मैं तुम्हारे साथ हूं? इसलिए प्रभु का वचन यशाया 41:10 कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। हम घबरा जाते हैं मुसीबतों को, परेशानियों को जब देखते हैं, परीक्षाओं को देखते हैं,
खिलाफत को देखते हैं घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि हम नष्ट हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। अरे जब तुमने यीशु मसीह को जिस घड़ी अपना प्रभु और अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया था, उसी समय तुम मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके थे, उसी समय तुमने अनंत जीवन प्राप्त कर लिया था। तुम्हारा अनंत जीवन तुमसे कोई छीन नहीं सकता। क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो? मत्ती 10 अध्याय उसके 26 पद में प्रभु का वचन कहता है, इसलिए मनुष्यों से मत डरना, कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाए, न कुछ छुपा है जो जाना ना जाए। जो मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उजाले में कहो, जो कानों कान सुनते हो छतों पर प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं और आत्मा को घात नहीं कर सकते उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। आमीन। प्रभु का वचन है ये। यीशु मसीह आज आपको बता रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा नरक में नष्ट नहीं होगी, क्योंकि तुम विश्वासी हो और धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। केवल विश्वास से हम धर्मी हैं और विश्वास के द्वारा ही हम जीवित रहेंगे। यह हकीकत है। प्रभु ने कहा, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो, मैं तुम्हारी नाव में हूं, मैं तुम्हारे जीवन में हूं। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, विश्वास रखो। तुम्हारे विश्वास के कारण तुम कभी लज्जित नहीं होगे, कभी लज्जित न होगे। यहां क्या हुआ, यीशु ने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया, तूफान थम गया। यीशु आपके जीवनों के तूफानों को डांटना भी जानता है। अगर हम इस विश्वास से रहें, हे प्रभु हमें बचा। हम जानते हैं कि प्रभु हमारे मंदिर में है, प्रभु हमारे इस शरीर में है, क्योंकि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है और उसका आत्मा हर विश्वासी के शरीर में वास करता है। यानी हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, और हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं तो परमेश्वर के मंदिर हैं, और उसकी उपस्थिति हमारे संग हर वक्त बनी रहती है। भूल कर भी गुनाह की तरफ मन मत लगाना, भूल कर भी कभी अशुद्ध विचारों में फंसना नहीं, भूल कर भी अपनी जीभ से पाप मत करना, न मुंह से पाप करना, न बोलचाल से गुनाह करना, न किसी को श्राप देना, न किसी से नफरत करना, परंतु दुश्मनों से भी प्यार करने की आज्ञा यीशु मसीह की है। यीशु ने कहा, दुनिया कहती है कि तुम अपने बैरियों से बैर करो और अपने पड़ोसियों से प्रेम, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने बैरियों से प्रेम करो, शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, तब तुम परम प्रधान परमेश्वर की संतान कहलाओगे, जो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है, जो धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना मेह बरसाता है। सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमारा स्वर्गीय पिता प्रेम में सिद्ध है। हमसे प्रेम करने को कहा गया है। बुराई के बदले कभी बुराई मत करना, परंतु बुराई को भलाई से जीतो, ये प्रभु की आज्ञा है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा का नाश करने की शक्ति किसी मनुष्य में नहीं है, न किसी शैतान में है, न किसी दुष्ट आत्मा में है, न उस बड़े इबलीस सरदार में है जो शैतान दुनिया को भरमाता है, संसार को झगड़े पैदा कराता है। उसमें भी शक्ति नहीं कि हमारी आत्माओं का कोई नाश कर सके, हमारी आत्मा को छू सके। शरीर को घात कर सकते हैं परंतु आत्मा को छू नहीं सकते। और डरो उससे जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक की आग में समाप्त कर सकता है, उसी का नाम यीशु मसीह है। आमीन। और यही बात आज हम आपसे कहने आए हैं, मेरे प्रियो, भयभीत मत हो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है।
वो न तो कभी छोड़ेगा तुम्हें और न कभी त्यागेगा। हिम्मत से उसकी तरफ ताकते रहो। अपने विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु मसीह की तरफ ताकते रहो। तूफान की तरफ मत देखो, मुसीबत की तरफ मत देखो, बहुत बड़ी मुसीबत है। उस बड़ी मुसीबत से बड़ा तुम्हारा प्रभु है। तुम्हारा प्रभु तुम्हारी मुसीबत से बड़ा है, तुम्हारे रोग और बीमारी से बड़ा है। परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता हमारी सृष्टि से बड़ा है, हमारी बीमारी और रोग से बड़ा है, हमारे सारी परेशानियों से वो बड़ा है। क्या हम अपनी परेशानियों और मुसीबतों को अपने उस प्रभु को दे सकते हैं? भजन संहिता 55 और उसका 22 पद प्रभु का वचन है। देखो आपसे क्या बात करता है। बहुत तेरे लोगों के लिए आज परमेश्वर के जवाब हैं जिसे हम देखना चाहेंगे। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने न देगा। अपना बोझ, बोलिए अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। धर्मी कौन है? कौन है धर्मी? ईसाई लोग हैं? कौन धर्मी है? धर्मी केवल परमेश्वर स्वयं है, और धर्मी को धारण करने वाला विश्वासी ही धर्मी है। धर्मी कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और उस धर्मी को जब हम ग्रहण करते हैं, हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं, और इसलिए वो धर्मी को कभी टलने न देगा। आप धर्मी हैं, आप विश्वासी हैं, हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया, जय यीशु। हम लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। ये समय है कि हम अपने प्रभु को, जिसने हमें बुलाया है अपने दरबार में, अपने मुंह से अंगीकार करें और मन से विश्वास करें। बोलिए हे परमपिता परमेश्वर, आज के दिन हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर मनुष्य बनाकर कुंवारी माता मरियम के द्वारा पवित्र आत्मा से जन्मा के इस दुनिया में भेजा, और वो हमारे अपराधों के लिए घायल किए गए, हमारे अधर्म के लिए कुचले गए, हमारी शांति के लिए उन पर ताड़ना पड़ी, ताकि उनके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। तीसरे दिन अपने वचन के अनुसार वो जीवित हो गए, और 40 दिन के बाद हजारों लोगों के सामने जीवित स्वर्ग में उठाए गए। एक इतिहास है, आज 2022 ईस्वी कहलाता है। यही इसका प्रमाण है कि यीशु मसीह जीवित है। आमीन। ये हमारा प्रभु है, बोलिए वो हमारा प्रभु है। यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हमारा मुक्तिदाता है। हम हृदय से विश्वास करते हैं और मन से उसे ग्रहण करते हैं। हे यीशु, हमारे हृदय में आ और हमारे तूफान को डांट दे, यीशु के नाम से। आमीन। जय यीशु।